माननीय आजाद गांधी। पिछले 27 फरवरी को गायघाट का एक जाना पहचाना चेहरा श्री अशोक कुमार सिंह भाजपा में शामिल हो गए हैं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय जी के समक्ष, और संजय जायसवाल भी थे। भाई जी आपको होली मुबारक हो। आपको मैं जानना चाहता हूँ, 18 वर्षों तक जिस पार्टी में आप रहे, एक समाजवादी विचारधारा के साथ एक पहचान था गायघाट में कि आप जदयू के नेता हैं, इस पहचान को बुलाकर यूं ही आप बीजेपी में चले गए, ऐसा क्यों किए? देखिए, बहुत बड़ा सवाल आपने एक ही लाइन में कर दिया, थोड़ा मैं दो स्टेप में इसका जवाब दूंगा। मैं बीजेपी में ही अपना राजनीति सफर शुरू किया, और जब 2004 में माननीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब, पूरे देश के मजदूरों के नेता, हम लोगों के बहुत ही अजीज, जब वो चुनाव यहाँ से लोकसभा का लड़े, तो उन्होंने कहा कि अशोक, ये गायघाट सीट बीजेपी को नहीं रही, जदयू के पाले में आ गई है, मेरी इच्छा है कि तुम जदयू से चुनाव लड़ो। और उस समय के शीर्ष नेतृत्व से मैं वार्ता करके और जॉर्ज साहब के साथ उनके मार्गदर्शन में मैं जदयू से चुनाव लड़ा। तो आप कह सकते हैं कि मैं तो मूल रूप से भाजपा में था, लेकिन भाजपा जदयू साथ चलती थी, दोनों का एक सूत्री कार्यक्रम था बिहार का विकास, और बिहार का विकास 2010 तक दिखा भी, लेकिन उसके बाद कैसे न कैसे अचानक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को रात में प्रधानमंत्री बनने का सपना आने लगा, उस वहीं से स्थिति गड़बड़ होने लगी, और गड़बड़ होते होते आखिर वो सपने को कब तक झुठलाते, अपने सपने को पूरा करने के लिए जहां उनको नहीं जाना चाहिए, जिस कांग्रेस के खिलाफ वो जिंदगी भर संघर्ष किए, जिस लालू के जंगल राज को मिटाने के लिए उन्होंने बिहार को नेतृत्व दिया, वही जंगल में जाके घुस गए, तो हम लोग जैसे आदमी को वहाँ रहना बहुत मुश्किल लग रहा था, इसलिए मैंने मन बना लिया कि उस जंगल में मुझे नहीं जाना है। उस जंगल से निकल के मैं भागा हूँ और एक पवित्र स्थान पर आया हूँ, जहाँ से आप होली के बाद कार्यक्रम के रूप में प्रखंड में सभी मुख्यालय पर सभी जगह आप बीजेपी को देखेंगे, लगेगा कि बीजेपी न से यहाँ पर आक्रमक हो गई। लगभग 9 साल होने जा रहा है भाजपा की सरकार को, महंगाई और बेरोजगारी का जो आंकड़ा है भारत में वो बहुत हाई लेवल पे है, इसके आप क्या कहेंगे? देखिए, ये महंगाई विश्व स्तरीय समस्या है, बेरोजगारी को हम आप देख रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि पिछले 9 साल में करीब करीब 3.25 करोड़ युवा अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करके नया नया उद्योग शुरू किए हैं। आप बगल के जाले प्रखंड में चले जाइए, जहाँ पर कि बांस के पत्ता से जो खाने पीने में जो हम लोग पत्ता का उपयोग करते हैं वो बनाता है, ग्लास बनाता है, और उसका सालाना टर्नओवर करीब करीब 1.5 करोड़ रुपए का है। तो इस ये तो मैं एक नमूना बताया हूँ, पूरे देश में आज जो मुद्रा लोन चल रहा है, आप पत्रकार हैं, देखिए कि मुद्रा लोन की क्या स्थिति है, कहाँ कहाँ कितने युवा उसका उपयोग करके और स्वयं के पैरों पर खड़ा कर हो रहे हैं। जिस नौकरी की बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, मेरा एक एक बेरोजगार सैकड़ों रोजगार लोगों को रोजगार देने के लिए सक्षम हो रहा है। आप एक नौकरी की बात कहते हैं, यहाँ पर मोदी जी ऐसे स्टार्टअप की उद्योगों का जाल पूरे भारत में बिछा रहे हैं जो कहीं आपको रोजगार देखने को नहीं मिलेगा। अब आप स्किल की बात कर कीजिए, मैं आपको बता देता हूं कि जो इंटीरियर का काम होता है घरों में, उसका एक मजदूर 1800 रुपया मिनिमम कमाता है प्रतिदिन, आप जाके उससे परीक्षण कर लीजिए। तो ये सब चीज़ जो नया नया चीज़ जो भारत में आया है, जो टेक्नोलॉजी भारत में आई है, तो उसको आप ये कह सकते हैं कि भारत बदल रहा है, और किसी जनता का ध्यान जिस क्वेश्चन की ओर है वहाँ पर नहीं है, जनता खुशहाल है और किसी चीज़ की कमी नहीं है, जो गरीब है उसको मुफ्त में अनाज मिल रहा है, किसान है उनको 24 घंटा बिजली मिल रही है, महिला है उसको
आनंद ही आनंद है। 24 घंटा वो घरों में बिजली जलाती है, आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करती है। देहात से बाजार में जाने वालों की संख्या अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। बहुत सारे लोग मैं गाय घाट में बता सकता हूँ जो पहले शहर में रहते थे अब गांव की ओर आ रहे हैं कि स्वच्छ वातावरण। गाय घाट विधानसभा में जो है भ्रष्टाचार ज्यादा ही है, इस पर आप क्या करेंगे? भ्रष्टाचार के लिए हम अभी दूसरे चैनल वाले को बताया कि होली के बाद हम पूरे सभी पंचायतों में जाएंगे और फिर से एक भाजपा को मजबूतीकरण के लिए एक कार्य करेंगे और जो एक डेढ़ महीने का मेरा जो ये काम होगा इसको पूरा करने के बाद बस यही एक मेरे लिए मुद्दा रह जाएगा कि गायघाट, बंदरा और कटरा प्रखंड मुख्यालय पर आरटीपीएस के काउंटर पर राजस्व कार्यालय में वीडियो के ऑफिस में जो भ्रष्टाचार है उसको समाप्त करा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत